परिवार से। अरे ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चिड़िया है, लेकिन अगर कॉल बैक किया तो मैं ट्यूशन जाऊँगा, अगर कॉल बैक नहीं किया तो मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दोबारा आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त आनंद दास। और अभी बजे है करीबन सुबह के 5:30 के आसपास, और आज 6 बजे से मेरा ट्यूशन है, लेकिन मैंने कॉल किया अब तक मतलब किसी ने रिसीव नहीं किया, तो कंफर्म नहीं है कि मैं ट्यूशन जाऊंगा कि ट्यूशन नहीं जाऊंगा दोस्तों। तो मैंने सोचा जब तक वो कॉल बैक करते हैं तब तक मैं थोड़ा सा लकड़ी चीर लेता हूँ, क्योंकि अपने घर पे अभी लकड़ी बहुत ही कम है स्टॉक, तो वहाँ पे जमा करके रखा हुआ है, तो उसको अभी हम लोग चीरते हैं, ठीक है, क्योंकि जलाने के लिए फिलहाल लकड़ी नहीं है। और इससे पहले एक बार हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि कोई चिड़िया गिरा है कि नहीं गिरा। ओके, तो फिलहाल के लिए अपना जो कुल्हाड़ी है इसको अभी हम लोग यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो कुल्हाड़ी है उसको यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर देखते हैं। और देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा कीचड़ हो चुका है, बारिश गिर के कीचड़ हो गई है, तो इसलिए मैंने चप्पल तो खोल दी है, अच्छे से देख लेता है। इधर से तो अभी अभी मैं आया तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया मुझे, तो अभी हम लोग देख लेते हैं आस पड़ोस में, इधर पर फुलवाड़ी पर, फिर इधर इधर। देखिए सुबह सुबह को आपको हमारे घर पे ऐसे चिड़िया का मुर्गी का आवाज़ सुनने को सुनने को मिलेगा दोस्तों। चलिए इधर पे नहीं है, लास्ट टाइम यहाँ पर मुझे एक चिड़िया का बच्चा मिला था इधर पे। इधर पे भी नहीं है, तो आज बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आज कोई भी चिड़िया नहीं गिरा है। और नहीं तो हमेशा एक न एक चिड़िया गिरते रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे गिरता है वो अपने परिवार से। अरे ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चिड़िया है, ये उड़ सकता है कि नहीं सकता मालूम नहीं, देखते हैं, ये नहीं उड़ रहा है, ये उड़ रहा है लेकिन ये उड़ नहीं रहा है। देखिए बच्चा अभी भी, क्या करे, इसको छोड़ दिया ना छोड़े वो मुझे, क्या करे, इसको भी पकड़ के इसको थोड़ा सा सुखा देते मेरे ख्याल से, उसके बाद उसको छोड़ देंगे तो वो चला जाएगा। अभी उसको मैं पकड़ने के लिए जाऊँ तो भी भाग जाएगा उधर, क्योंकि और देखिए वो देखिए वो देखिए वो उड़ने का कोशिश कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है, शायद उसका पंख बेच गया होगा। तो चलिए देखते दोस्तों उसको पकड़ते, और थोड़ी देर हम लोग उसको सुखा के रख देते अपने दूसरे वाले चिड़िया के साथ, अगर मैं पकड़ पाया तो। आजा। वो उसको पकड़ नहीं सकेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों आप उसको अभी रहने देते हैं, शायद उसका मम्मी आ जाएगा उसको लेके चला जाएगा, अगर नहीं आया तो मैं बाद में उसको लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग चलते हैं अपना लकड़ी चीरने के लिए, तो अभी के लिए बाय बाय, और आप सबसे हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद दोस्तों, तो अभी के लिए बाय बाय। तो दोस्तों यहाँ पर इतना लकड़ी चीर के हो गया है, और अभी ये और ये वाला पीस अभी मतलब लकड़ी चीरना बाकी है, और बस इतनी ही है, अभी इसको चीरने के लिए करीबन आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा, आधा घंटा नहीं लगे 15-20 मिनट लग जाएगा। तो अभी जल्दी जल्दी इसको चीर लेते हैं, उसके बाद आज का काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दोस्तों जल्दी जल्दी फ्रेश अप होंगे और पूजा भी करना है, ठीक है, पूजा करके फिर जॉब कार्ड का ड्यूटी पे भी जाना है 9 बजे के आसपास, तो उसके लिए ठीक है दोस्तों, बाकी का जितना भी वो सब चल लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों यहीं पे हो चुका है अपना लकड़ी चीर के पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ से जहाँ पे जितने भी हमने लकड़ी जमा किए थे सब हमने उठा लिया है और अंदर पे रख दिया है। तो अभी अपना घर का जो बतख है वो सबको भी मम्मी ने खोल दिया और यहाँ पे देखिए पूरा कीचड़ 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 हो जाता है इधर पूरा। देखिए फिर भी क्या करें, लकड़ी वहाँ पर चीरने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है तो वहीं पर हमने अपना लकड़ी चीर लिया। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग जल्दी जल्दी फ्रेशअप हो जाते हैं क्योंकि अभी बज चुके हैं करीबन सुबह के 8 और अभी 9 बजे अपने को ट्यूशन भी जाना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय और मिलते हैं आपसे हम लोग थोड़ी देर के बाद। ओके।